सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाप्रभु के साथ और भी संत थे। एक बार वो संत शराबियों के पास चले गए, जहां शराब की दुकान पर बैठकर लोग शराब पी रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संत थे वो भी बड़े प्रसिद्ध थे। उन संतों ने शराबियों के पास जाकर शराबियों के पांव पकड़ लिया और उन शराबियों से कहा, भैया एक बार बोल दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक बार बोल दो हरे राम हरे राम। शराबियों ने कहा पागल हो गया है। शराबियों ने शराब पीकर उनके मुंह पर शराब थूक दी, पर उन संतों ने पांव नहीं छोड़ा। हम आपके पांव तब छोड़ेंगे जब आप एक बार श्री कृष्ण कह देंगे अपने मुंह से। तो लोग उनके सामने खड़े थे, उनके अपने अनुयायी भक्त लोग, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, ये दुष्ट आदमी है और आप इससे अपमान करा रहे हैं, ये आपको ऊपर शराब का कुल्ला कर रहा है। तब उन संत ने रोते हुए कहा, बेटा तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य का तन कितना कीमती है, ये लोग शराब पी पी करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें पता नहीं उस एक नाम के बदले भी श्री कृष्ण ने तार देंगे, पर निकल तो जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार ही सही यदि मेरे द्वारा इनका उद्धार हो गया तो मेरा भी संसार में आना सफल हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश देती है कि आपके माध्यम से यदि आपके पड़ोसी भगवान में लग गए, आपके माध्यम से आपका परिवार भगवान में लग गया, तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। हाँ, जीवन में शांति पाना हो ना तो भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा।